जब तक पब्लिक निकलती नहीं ना आज जब तक कुछ करती नहीं पब्लिक निकलना पब्लिक निकली तो काम करते हैं और चमक यार बाकी ने काना पिछले लोग यार आप देख रहे हैं एमसीएन समाचार और मैं हूं सैयद फरहान। अभी हम मौजूद है रोशन मस्जिद के पास किराड़पुरा परिसर में। तो यहां पर जो एक बहुत बड़ी घटना घट चुकी है, अब इसका रीजन तो हमको पता नहीं है, मगर हमारे इसाक हाजी साहब इनका यह कहना है कि पहले गैस सिलेंडर जो था घर के अंदर रखा हुआ, जो घरगुटी सिलेंडर होता है गैस होता है, वो ब्लास्ट हुआ। उसके बाद में उसके घर के ऊपर जो तार जा रही थी एक, वो ब्लास्ट हुई। तो इसाक हाजी साहब का यह कहना है, और जानकारी के अनुसार हमें पता चला है कि घर में चार लोग थे, चार में से एक जो है बहुत ज्यादा सीरियस है और अभी वो लोग घाटी गए हुए हैं। यहाँ पर पुलिस और एम्बुलेंस वक्त पर आ चुकी थी। तो अभी हम आपको आगे की जानकारी देते रहेंगे। बने रहिए एमसीएन समाचार के साथ और देखते रहिए एमसीएन समाचार सैयद फरहान के साथ। आज शाम को 8:30 बजे के करीब शरीफ कॉलोनी किराड़पुरा एरिया में घर के अंदर एक आग लगी है इसमें, और उस आग के अंदर अभी हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि उस आग का कारण क्या है, कितने लोग जख्मी हुए हैं इसका भी अभी तक अंदाज़ा नहीं है। हमारी टीम इसमें काम कर रही है, फॉरेंसिक्स टीम को हमने बुला लिया है, और जो लोग जख्मी हुए हैं उनका घाटी में इलाज चल रहा है, और कितने लोगों की इसमें तादाद है वो सारा अभी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। जबकि ये हमारी प्राथमिक माहिती है। टेंटेटिवली घर में कितने लोग थे? टेंटेटिवली घर में करीब 7 एडल्ट हैं और बच्चे थे। एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन अभी कोई नहीं बता रहा है, क्योंकि हमारा जो घर के जो ओनर है, घर में जो लोग रहते थे उनसे संपर्क नहीं हुआ है, बट हमारी टीम घाटी में गई है और इसके बारे में इन्फॉर्मेशन थोड़ी समय में मिल जाएगी। प्राइमा फेसी सिलेंडर क्या स्पोर्ट हुआ है? प्राइमा फेसी ऐसा लगता है, बट अगेन जब तक हमारी फॉरेंसिक्स टीम कुछ बोलती नहीं है तब तक हम फाइनल नहीं कर सकते। ओके, थैंक यू सर। 8:30 बजे
सवा आठ बजे मैं हमारे जलसा था वहाँ पे, इसमें था, हमको फ़ोन आया तो हमने तुरंत पुलिस को फ़ोन करे, 582 फ़ोन करे और यहाँ पे जब आप हम आए तो उसका बहुत बड़ा ये होगा, तो उसका कारण हमको जब मालूम पड़ा तो गैस का जो सिलेंडर था वो बस्ट होने के बाद में ये ऊपर MECB का जो केबल गया वो केबल जल गया, वो केबल क्योंकि नीचे था केबल और हमने बार बार उसमें नुमाइंदगी करने के बाद में भी हमारा केबल का काम का ये नहीं हुआ। MECB का जो अगर केबल ऊपर रहता था तो हम समझते कि ये जो काम इतना बड़ा जो नुकसान हुआ ये नहीं हो सकता था, शॉर्ट सर्किट मुड़ा मानता है यार। नहीं अब अभी तो वो जांच का विषय है, बस एक अभी तो एक भंगार वाले कोई जो भी रहते हो नहीं यहाँ कोई भंगार वाले कोई नहीं रहते, नहीं नहीं कोई भंगार वाले नहीं रहते, सिर्फ इरफान भाई का घर है उनका, मजदूरी रोजा मजदूरी करते नारे गांव में उनका कारोबार है, यहाँ पे उनका कुछ भी नहीं। फायर ब्रिगेड का कोई उच्च अधिकारी फैमिली में वो तीन भाया है, एक भाई बाजू में किराए से रहता, दो भाई वही घर में रहते, उनकी फैमिली रहती है। कितनी घर है, मतलब कितनी मंजिली घर है वो? एक एक तीनों का घर है, सादा अच्छा मकान है, कितनी खुले है सादा, ये 30x30 MECB कुछ है, MECB का वायर जो है तो उनके घर पे टिके हुआ था, जो उनके जो मुंडे रहते हैं ना अपने घर की तो MECB का उस पे टिके हुआ था, तो उसके वजह से जब उसको आग लगी तो ये इतना जो बड़ा हुआ। इंतकाल हुआ उसका नाम कुछ मालूम? सदफ लड़की हुई ना, लड़की सदफ जो लड़की है वो यहाँ। और कितने जख्मी होंगे? 4 साल की, 6 साल की। जख्मी के नाम है? तीनों बच्चे। जख्मी के नाम है क्या? रिजवान शेख और वो खुद ठीक है। आणि अजून और एक मिसिंग की बच्ची नहीं, आपके कारपोरेशन की जो टीम आई थी वो आई, लेकिन फायर ब्रिगेड का ऑफिसर अभी भी सूरज साहब मेरी मालूमात के हिसाब से नहीं आए, अभी मेडिकल करेंगे उनका, तो वो पूरी फुल दारू पी के पड़े हुए हैं। भगत साहब फुल दारू पी के पड़े हुए, होश में नहीं है, और झंझन साहब का काम था यहाँ पे स्पॉट पे एक घंटे से फोन मार रहे हैं, ऑफिसर आई नहीं, इनको कल देखते नहीं अपने बुझा दिए जब आए। हाँ ठीक है, और आपके दो चार ये जोशी साहब भी थे यहाँ, अंसारी साहब भी थे, वो लोगों को मैंने खुद देखा, लेकिन मैं जब से फायर ब्रिगेड वालों को पूछ रहा तो बोले पीके पड़े हैं वो लोग तीनों भी। बोले कमिश्नर को डाला मैंने कंप्लेन, अभी मिसिंग क्यों है, मतलब सामान पहुंच गया तो इतनी राख राख हुई कुछ समझ नहीं आ रहा, तो टोटल लॉस हो गई होंगे क्योंकि अभी अपन उसको वो अपन कंफर्म नहीं कर सकते, ऑफिशियल नहीं होना चाहिए, एक नहीं मिली ना बच्चे अभी तक। अभी अगर ये नहीं करें ना आपने कैमरे अगर बंद करे तो डेट हो गई, एकदम राख हो गई, पर अपन अभी नहीं बोल सकते उस चीज को, अपन घर के नहीं, अपन ऑफिशियल डिक्लेरेशन ऐसा है इसलिए नहीं होना चाहिए। इससे पहले भी घटना हुई, हमने बार बार बोला कि गैस सिलेंडर, लेकिन जो भी घटना हुई बहुत खतरनाक गलत घटना है, ऐसी कहीं नहीं होना चाहिए। और आज भी हम अपने दो बच्चों को लेके गए, बोलते थे साहब से बात किया मैंने, और एक बच्ची है उसमें और एक बच्चा, दो ही लोग दोनों को हॉस्पिटल ले गए, जख्मी है क्या बच्चे? दोनों को लेके गए हॉस्पिटल, जाके देखना पड़ेगा घाटे में क्या है, क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ। यहाँ से दो बच्चे निकाल के लेके गए, ऐसा पीआई साहब को बोलना था, पीआई साहब से मैंने बात किया, तो पहुंचे इलाके में किरारपुरा।